प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिपकुल एक मंच पर। तो खैर, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम एक अच्छा सा टॉपिक शुरू करेंगे जो आपका बायोलॉजी के अंतर्गत भी आता है और साथ में आप एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी उसको ले सकते हैं और कई बार आप इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एपिकल्चर की या मधुमक्खी पालन की। यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में रैंडमली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आज देखते हैं एपिकल्चर या फिर मधुमक्खी पालन के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले टॉपिक डाल दिया जाए, एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिकल्चर। देखो जी, नाम से ही पता लग रहा है होता क्या है जी, मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन होता है। अगर आपसे नॉर्मली सवाल पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत वर्ल्ड में कहां पर हुई थी, पूरे विश्व में, संसार में, तो सबसे पहले इसका जो आरंभ हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था। आरंभ स्विट्जरलैंड में हुआ। इसके बाद अमेरिका और कनाडा में जो है इसका एक बड़े पैमाने पर मधुमक्खी का पालन होता है। अब मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं, मधुमक्खी से हमें सीधी सी बात है शहद मिलता है और मधुमक्खी से हमें मोम भी प्राप्त होता है, तो कई सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे, मधुमक्खी से क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे कैसे। अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, चूँकि हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपका मधुमक्खी पालन के लिए काम करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी कि आप मधुमक्खी पालन के लिए नियम बनाएंगे, रूल रेगुलेशंस बनाएंगे। तो उनमें एक आपका है ICAR और दूसरा आपका है KVIC। तो अगर मैं दोनों डिपार्टमेंट की बात करूं तो भारत में आपका दो डिपार्टमेंट हैं, दो विभाग हैं। एक आपका है पहला ICAR, इसकी फुल फॉर्म आपकी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे ICAR का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है या नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। कई बार आपसे ICAR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फिर आप ICAR का हेडक्वार्टर भी आपसे मालूम किया जा सकता है। दूसरा आपका है KVIC। अब मैं इस KVIC की बात करूं, सर ये KVIC क्या है, तो इसको कहा जाता है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इंडस्ट्रीज कमीशन, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं आपसे तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, हालांकि इसके रीजनल हेडक्वार्टर कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, बंगलुरु में भी है, मुंबई में भी है, हैदराबाद भी है, कई सारे हैं, लेकिन अगर फिर भी हेडक्वार्टर की बात करोगे तो आपका मुंबई में है। तो ये तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपके दो भारत में विभाग बनाए गए हैं जो कि आपके क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन को जो है नियंत्रित करते हैं, भारत में प्रोत्साहन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं, इसके लिए योजनाएँ आपकी निकाली जाती हैं। इसके बाद अगर बात करना चाहेंगे, जब हम मधुमक्खी पालते हैं तो पूरे विश्व में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 20,000 प्रजातियों में से आपको केवल 4 प्रजातियों के नाम याद रख लेने हैं, तो जो कि आपकी जरूरी है, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं मधुमक्खियों की प्रजातियों की बात करूंगा लगभग, तो पूरे विश्व में लगभग 20,000 प्रजातियां केवल और केवल मधुमक्खियों की हैं, हनी बी की हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो कुल प्रजाति तो 20,000 है, प्रमुख प्रजातियों के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। हम 3-4 प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा जो आपको साधारण दिखाई देती है, जो हम भारत में देखते हैं, जिसको उसको कहा जाता है आपका एपिस इंडिका। तो एपिस जो शब्द है वो एपी से लिया गया है, तो एपिस इंडिका कहा जाता है सबसे पहला मधुमक्खी जो आपकी हो गई एपिस इंडिका।
अब इस एपिस इंडिका की क्वालिटी क्या है ये भी समझ लीजिए। ये आपकी इंडियन बी है, ये भारतीय मधुमक्खी है, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम भी उसका एपिस इंडिका आपका हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आपकी है एपिस फ्लोरिया। इस एपिस फ्लोरिया के बारे में आप जरा समझेंगे, एपिस फ्लोरिया, इस एपिस फ्लोरिया के बारे में मैं अगर बात करना चाहूँ, इस एपिस फ्लोरिया की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो ये आपकी जो है सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, इसको लिटिल बी कहा जाता है, लिटिल बी। इसकी क्वालिटी क्या है, ये आपकी काटने वाली मक्खी होती है, सारी मधुमक्खियाँ नहीं काटती, ये काटने वाली मधुमक्खी होती है। और मधुमक्खी लिख देते हैं इसको, तो काटने वाली मधुमक्खी होती है। दूसरी बात है इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो इसको स्टिंग बी भी कहा जाता है, क्योंकि काटती है तो इसलिए इसका नाम डाल दिया स्टिंग बी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा शहद हमें कौन सी मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो एक आपकी होती है रोक बी जिसको कहा जाता है, उसका आपका नाम है एपिस डोरिस्टा, आपकी एक मधुमक्खी होती है एपिस डोरिस्टा। इसको नाम दिया गया है अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको रोक बी कहा जाता है, रोक बी, ये रोक मधुमक्खी है आपकी, और ये आपकी क्या करती है, मैक्सिमम हनी देती है, या अगर मैं कहूँ आपका सबसे अधिक शहद देने वाली मधुमक्खी आपकी कौन सी है, तो एपिस डोरेस्टा है। इसके अलावा आप एक और याद रख सकते हैं आपका एपिस मेलीफेरा, ये सबसे अच्छा शहद देती है अगर क्वालिटी की बात करें हम, तो एपिस मेलीफेरा को भी आप याद रख सकते हैं, एपिस मेलीफेरा। इसको कहा जाता है आपका यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। इसकी क्वालिटी क्या है, ये आपका बेस्ट हनी देती है। अब बात आएगी सर आप कोई सा हनी या कोई सा भी शहद आपका अच्छा है या बेकार है, हम इसका किन पैमानों पर मापन करते हैं, तो हनी का जो या शहद का मापन दो पैमानों पर किया जाता है, एक तो देखा जाता है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, और दूसरा हम उसमें ये मेज़र करते हैं कि उसके अंदर आपकी शुगर की और पानी का वाटर का रेशो क्या है। तो शुगर और वाटर का रेशो जितना आपका डिसबैलेंस होता है बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो अच्छे शहद होते हैं उनमें आपकी शुगर ज़्यादा होती है लेकिन पानी की मात्रा आपकी धीरे धीरे कम होती रहती है। कैसे कम होती रहती है इस बारे में अभी बात करेंगे, अब आगे जरा देखेंगे। अब जो मधुमक्खी है आपकी, एक्चुअल में अगर मैं मधुमक्खी के बारे में बात करूं, तो मधुमक्खी एक जिस तरीके से मानव रहता है उसी तरीके से सामाजिक प्राणी है, है ना। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो मधुमक्खी आपकी क्या होती है, आपकी जो सामाजिक और बहुरूपी कीट होती है, प्राणी की जगह मैं कीट अगर कहना चाहूँ तो कीट भी आपका सही रहेगा। जो मधुमक्खी एक प्रकार की आपकी सामाजिक मतलब सोशल और बहुरूपी कीट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो सामाजिक और बहुरूपी का आपका मतलब यह है, अगर मैं इसको सामाजिक मतलब कहोगे सोशल और आपका पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सामाजिक है, तो सामाजिक का मतलब ये है कि जो इनका समाज है सारी मधुमक्खियाँ एक जैसी नहीं होती और अलग अलग काम करने के लिए उनको बांट दिया जाता है, उनके अंदर एक आपका सोसाइटी ही है। और बहुरूपी का मतलब भी आपका लगभग इसी से है कि हर मधुमक्खी हर काम नहीं करती बल्कि कुछ स्पेशल मधुमक्खियों के लिए स्पेशल काम मेंशन किए गए हैं और जिसका जो काम है वो मधुमक्खी वही काम करती है। जैसे हमारे यहाँ पर है जो जिसका काम डिसाइड किया गया है वो अधिकतर वही काम करता, हालांकि ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि जो काम जिसके हिस्से वो वही करेगा।
लेकिन फिर भी अगर हम कहना चाहें तो हमने डिसाइड किया हुआ है, बिल्कुल यही तरीका आपका मधुमक्खियों के साथ है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। तो अगर मैं मधुमक्खियों की बात करूं, एक्चुअल में कुल मिलाकर के तो मधुमक्खी आपकी 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की मधुमक्खी हैं। हम सबसे पहली रानी मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे, जो आपकी क्वीन भी होती है, और सारी मधुमक्खियाँ इसी से आपकी किसी ना किसी तरीके से निकलेंगी। तो देखेंगे मधुमक्खियों के प्रकार, आपकी कौन कौन सी मधुमक्खी होती हैं और आपकी कैसी कैसी मधुमक्खी होती हैं। इससे पहले एक बात और आप समझ लेंगे, जो आपकी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियों को रखने का जो स्थान होता है उसको मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है, सॉरी, ये मधुमक्खियां जहां पर रहती हैं उसको हाइव कहा जाता है। तो जो मधुमक्खी का आपका छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसको हाइव कहा जाता है। एक तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दूसरा जो आपका हाइव हुआ या इसको बी हाइव कह सकते हैं आप, या बी हाइव हो जाएगा मधुमक्खी का छत्ता, ठीक। अच्छा, दूसरा आप ये ध्यान रख सकते हैं इसमें कि जो एक कप का छत्ता होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे आपके ब्लॉक्स होते हैं जिसको कोस्ट कहा जाता है। तो कितने चैम्बर्स होते हैं, तो एक हाइव में, एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 कोस्ट होते हैं आपके, जिनको चैम्बर कहा जाता है, या रूम्स भी कह सकते हैं। और इन रूम्स की आकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखें आपकी षटभुजाकार होती है, हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल, षटभुजाकार या षटभुजीय होती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपके छत्ते होते हैं उसके अंदर जो आपका छोटा सा एक आपका कोस्ट या एक आपका रूम होता है वो आपका हेक्सागोनल की शेप में होता है, सारे के सारे हेक्सागोनल ही होते हैं और सबकी डायमेंशंस लगभग लगभग बराबर होती हैं। लगभग बराबर का मतलब है कि 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं में से सब भुजाओं का जो आपका एक वैल्यू है वो आपकी आपकी इक्वल होती है दूसरी भुजा के, ठीक है, आपस में आपके बराबर होती हैं। खैर, अब आगे बात करेंगे। अच्छा, अब जो मधुमक्खी का फार्म होता है उसको बी फार्म कहा जाता है, उसको एपियरीज कहते हैं। तो भी ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी रखने का स्थान, मधुमक्खी रखने का जो स्थान होता है उसको आपको बी फार्म कहा जाता है, या इसको एपियरीज भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो साधारण आपकी मधुमक्खियों के रहने के स्थान के बारे में बात हुई। अब चर्चा हम करेंगे जो मधुमक्खियां हमारी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मधुमक्खियों का काम क्या क्या है, और यहाँ से आने वाले क्या क्या सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो जरा देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो मैं अगर मधुमक्खी के प्रकार के बारे में बात करना चाहूँ, तो आप मधुमक्खी के प्रकार के बारे में आप ये याद रख सकते हैं, जो सबसे पहली मधुमक्खी है हम उसी के बारे में बात करेंगे, नंबर एक। तो नंबर एक सबसे ऊपर आपकी होती है, सबसे बड़ी जो इसमें होती है उसको कहा जाता है रानी मक्खी या रानी मधुमक्खी, क्वीन बी। अब ये रानी मधुमक्खी होती क्या है, तो इसकी क्वालिटी अगर आप समझोगे तो पहली बात तो आपकी होगी, जो एक आपका हाइव होता है, वन हाइव में ओनली वन होती है, एक छत्ते में एक होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, एक छत्ते में एक होती है, पहली बात तो इसकी ये हो गई। दूसरी अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो आपकी कॉलोनी की सबसे अच्छी होगी और आपकी सबसे बड़ी भी होगी। तो अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते को उनकी कॉलोनी कहा जाता है, कॉलोनियल शब्द का यूज भी कर लेते हैं इनके लिए। तो अगर मैं बात करूँ आपकी जो उनकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में सर्वश्रेष्ठ मक्खी होती है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ आप कह सकते हो वो सबसे आपकी बड़ी भी होती है ना, साइज के अकॉर्डिंग आपकी सबसे बड़ी मक्खी होती है। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसके जो अंग हैं, जैसे इसके पैर होंगे, जैसे कि इसके पंख होंगे, जैसे इसका डंक होगा, ये आपके कम विकसित होते हैं। तो इसके जो अंग हैं, अंग इसके कम विकसित होते हैं, लेस डेवलप होते हैं, आपके बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, अंग कम विकसित होते हैं।
अगर इसके अंग कम विकसित होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी उड़ नहीं पाएगी, या अगर उड़ेगी भी तो आपका धीरे उड़ती है और मधुमक्खियों की स्पीड से आपकी नहीं उड़ती। मधुमक्खियों के उड़ने की स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत तेज़ी से उड़ सकती हैं आपकी मधुमक्खियाँ, ठीक है। अब 20-25 स्पीड और लगभग 15 से 25 किलोमीटर की स्पीड तो आपकी नॉर्मली उड़ती रहती हैं ये। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस मधुमक्खी की, रानी मधुमक्खी की, ये रहती कहाँ, ये आपकी पूरी सिक्योरिटी में इसको रखा जाता है, मतलब ये आपका हाइव के बीच में रहती है, जो आपका उनका छत्ता हुआ उस छत्ते के बीच में आपकी रहती है, छत्ते के मध्य में आपकी रहती है और पूर्णतः सुरक्षा इसको दी जाती है, पूर्ण सुरक्षित प्रकार से, एक बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीका है, जैसे हमारी सोसाइटी का वैसे ही इन्हीं के यहाँ होता है, बड़ा प्यारा तरीका है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करोगे, इसके अंदर आपकी लार और मोम की कोई सी भी ग्रंथि नहीं होती, तो इसमें आपकी ना तो लार ग्रंथि होती है, ना तो आपकी सेलेवरी ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथि व मोम ग्रंथि, ना ही वैक्स ग्लैंड होती हैं, वे मोम ग्रंथि नहीं होती, अनुपस्थित। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपसे इसके बारे में बात करना चाहूँ तो अब ये जो मधुमक्खी है आपकी, ये मधुमक्खी आपकी लगभग 16 दिन में, आपका 16 डेज में अपना पूरा शरीर ले लेती है। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ उसके बारे में, 16 डेज में इसकी जो बॉडी है वो डेवलप्ड हो जाती है। तो 16 दिन आपके लगते हैं इसकी बॉडी को आपका डेवलप होने में। और रानी मधुमक्खी के बारे में मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, इसका भोजन क्या होता है, तो आप इसका भोजन ध्यान रखेंगे, ये आपकी खाती है रॉयल जेली, ये शाही जेली खाती है, क्योंकि अपने आप में शाही है ये। और ये शाही जेली इसको आपका ला करके कौन देता है, जो छत्ते में एक प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, इनको श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर बीज कहा जाता है, तो वर्कर बीज को ला कर देती हैं, और आपका इसको ला करके कौन देता है, श्रमिक मक्खियाँ इसको ला करके देती हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये भी होगा रानी मक्खी अपना भोजन खुद नहीं बनाती, बल्कि श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा लाया गया या दिया गया जो रॉयल जेली होती है, उस जेली को खाती है और खा करके अपनी पूर्णता की विकसित हो जाती है। ये अगर मैं इसके बारे में और आपसे बात करना चाहूँ, अब जो इसका डंक हुआ, ये अपने डंक का उपयोग काटने में नहीं करती, ध्यान रखेंगे क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके आसपास आप बड़ी मुश्किल से ही जा पाएंगे, आप जा नहीं सकते क्योंकि आपकी छत्ते के बीच में होती है, लेकिन ये अपने डंक का उपयोग है, आपका जो इसका आपके अंडे हैं तो ये अंडों में इस्तेमाल करती है, अंडारोपण में इस्तेमाल करती है। तो ध्यान रखेंगे इसके डंक का उपयोग अंडारोपण में होता है, तो ये अपने डंक का उपयोग अंडारोपण में करती है। अंडारोपण मतलब को ओवी पोजीशन कहा जाता है इसको, इसका मतलब ये आपकी अंडे भी देती है। अब अगर बात करना चाहूँ, आप इसको उतारें, अब आगे बात करेंगे, तो अंडारोपण की अगर भैया बात करेंगे, तो जो रानी मधुमक्खी है तो ये अपने जीवन में लगभग आपके जो है 12 से 15 लाख अंडे दे देती है। तो लगभग 15 लाख अंडे मान सकते हैं हम कि अपने जीवन काल में 12-15 लाख अंडे दे देती है, जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। तो इसका मतलब 15 लाख नई मधुमक्खियां पैदा कर देती है एक रानी मक्खी। अभी जो अंडे होते हैं इनकी संख्या तो 15 लाख है, लेकिन अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो आपके 2 टाइप्स के एग्स आपके होते हैं, लेकिन ये जो आपके अंडे होते हैं आपके 2 प्रकार के अंडे होंगे। अब यहाँ से आप पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, और इन्हीं 2 प्रकार के अंडों से ही कुछ मधुमक्खियाँ आपकी निकलेंगी जो आने वाले टाइप्स हैं। तो इसके 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक तो आपके होते हैं अनिषेचित और एक गुण अंडे आपके होते हैं, अनिषेचित एक गुण, मतलब क्या है इस शब्द का भी देखेंगे, अनिषेचित एक गुण या एक सूत्रीय, और दूसरा आपके होते हैं निषेचित द्विसूत्रीय या द्विगुणित भी कह सकते हैं, और वहां पर हम एक गुणित भी कह सकते हैं। तो इसको एक सूत्रीय एक गुणित कह सकते हो, इसको द्विसूत्रीय द्विगुणित कह सकते हो। इसका मतलब आपका है ये आपके अनफर्टिलाइजर्स या अनफर्टिलाइज्ड है
हेलोइड आपके होते हैं और ये आपके होते हैं फर्टिलाइज्ड डाइपोल्ड डाइपोल्ड और ये आपके आपका हेलोपोल्ड आपका ये होगा हेलोइड नहीं हेलोपोल्ड। अब देखो अनिषेचित एक सूत्री क्या होते हैं और आपके निषेचित द्विसूत्री क्या होते हैं। जो अनिषेचित एक सूत्री का मतलब यह है कि इनमें आपका निषेचन या इनमें आपका सेक्स नहीं होता और दूसरी बात है आपकी ये एक गुणित होते हैं तो इसलिए इनमें आपके जो गुणसूत्र हैं वो आपके 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स आपके 16 क्रोमोसोम्स आपके होते हैं जबकि अगर बात करोगे आपके द्विगुणित है तो इसके जस्ट डबल आपके हो जाएंगे। इसमें आपके 32 क्रोमोसोम्स आपके हो जाएंगे 32 गुणसूत्र आपके हो जाते हैं। तो एक मुख्य पॉइंट तो आपका यही है कि आपके अनिषेचित और आपके निषेचित अंडे जो मधुमक्खी के होते हैं इनका आपका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अनिषेचित होते हैं उनमें आपके 16 अंडे होते हैं जबकि जो सॉरी 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि जो निषेचित होते हैं उनमें आपके लगभग 32 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे जो आपके अनिषेचित हैं इनसे आपकी बनती है नर मधुमक्खी और जो आपके निषेचित होते हैं उनसे आपकी बनती है श्रमिक मधुमक्खी। तो यहाँ से आपकी निकलती है नर मधुमक्खी, इनसे आपकी बनती हैं नर मक्खी या मैं केवल नर मक्खी आपके लिख देता हूं और इनसे आपकी बनती हैं श्रमिक मक्खी वर्कर बीज। अब ये दो मधुमक्खियों के प्रकार हो गए। तो जैसे नंबर एक हमने रानी मक्खी पढ़ा है वैसे ही हम नंबर दो पर बात करेंगे नर मक्खी की और नंबर तीन पर हम बात करेंगे आपकी श्रमिक मक्खी की। तो देखते हैं आपकी क्या क्या होती हैं, चलो खैर आगे बात करेंगे। तो नंबर दो हमारा जो पॉइंट होगा वो आपका होगा नर मक्खी जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। तो नंबर दो आपकी हो जाएगी नर मक्खी ड्रोन्स। लो जी अभी जो आपकी नर मक्खी होती है इसकी क्वालिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। नर मक्खी आपकी छोटी होती है बलशाली होती है और ये भी काटती नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी छोटी होगी लेकिन शरीर हष्टपुष्ट होगा, मतलब आप कह सकते हो बलशाली आपकी होगी। ये आपकी काटती नहीं है, नॉन स्टिंग है, ये भी आपकी काटती नहीं है। तो एक बात तो क्लियर होगी काटने वाली मधुमक्खी आपके पास केवल एक आएगी श्रमिक मधुमक्खी, क्योंकि ना तो रानी मक्खी काटती है ना ही आपकी नर मक्खी काटती है। दूसरी इसके बारे में मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो इसका शरीर लगभग आपका 20 से 30 दिन में आपका डेवलप हो जाता है और इसके अलावा इसके अंदर डंक बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ध्यान रखें काटती नहीं है और दूसरी बात इसमें डंक भी नहीं होता। लेकिन रानी मधुमक्खी थोड़ी चेंज है, उसके बारे में आपको पता ही है, उसके अंदर डंक तो होता है लेकिन वो काटती नहीं है। इसके अंदर डंक ही नहीं होता तो काटने की बात तो आपकी खत्म हो गई। इसके शरीर की बात करूं तो 20 से 30 दिन में इसका जो शरीर है वो आपका विकसित हो जाता है, बॉडी डेवलप्ड हो जाती है, शरीर विकसित हो जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका शरीर कितने दिनों में आपका विकसित हो जाता है या फिर आपका डेवलप हो जाता है। अब बात है इसका काम क्या है, तो इसका काम अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका काम केवल और केवल जो रानी मक्खी होती है रानी मक्खी से सेक्स करती है, रानी मक्खी से निषेचन कराना। तो जो है आपका फर्टिलाइजेशन कराती है रानी मधुमक्खी से और ये अपने जीवन काल में रानी मधुमक्खी से सेक्स करती है नर मधुमक्खी और उसके तुरंत बाद आपकी मर जाती है। और ये ध्यान रखिए इसके तुरंत बाद इसकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, तो इसका कोई और खास काम है नहीं। ठीक, तो ये आपकी हो गई जो है नर मक्खी। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज्यादा जरूरी मधुमक्खी है उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपकी कौन सी होगी, श्रमिक मधुमक्खी जिसको वर्कर भी कहा जाता है। चलो जी बात करेंगे नंबर तीन श्रमिक मक्खी के बारे में। तो नंबर तीन हमारी हो जाएगी श्रमिक मक्खी। इसको वर्कर भी कहा जाता है ना। अब देखते हैं श्रमिक मधुमक्खी क्वालिटी क्या होती है। पहली बात ये आपकी जो आपका छत्ता जो आपका हाइव है ये हाइव की सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा आपकी सक्रिय होती है ये,
और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आपकी मजबूत भी होती है, तो सबसे बलशाली भी कह सकते हैं आप इसको। हालांकि बलशाली आपके ड्रोन्स भी होते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स से भी ज़्यादा बलशाली होती है। दूसरी बात मैं बात करूँ तो इसका शरीर जो है आपका लगभग 21 दिन में डेवलप हो जाता है, 21 दिन में इनकी बॉडी डेवलप हो जाती है, 21 डेज में बॉडी डेवलप्ड। एक ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी मधुमक्खियाँ हैं, आपकी कई प्रकार की होती हैं, आपकी जो है मैं बात कर रहा हूँ जो श्रमिक मधुमक्खियाँ ही अपने आप में कई प्रकार की होती हैं। अब इसके बारे में एक ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इनके शरीर में मोम ग्रंथि पाई जाती है और साथ में शहद ग्रंथियाँ भी होती हैं इनके अंदर, तो इसमें मोम और शहद दोनों ग्रंथि पाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोम ग्रंथि भी पाई जाती है और शहद ग्रंथि भी होती है, दोनों की दोनों आपकी प्रेजेंट होती हैं, दोनों की दोनों आपकी उपस्थित होती हैं। अब ये शहद कैसे लेती हैं, तो ध्यान रखेंगे आपके जो फूल होते हैं उन फूलों के पराग से, पराग मतलब फूल के अंदर एक छोटे छोटे कण होते हैं जिनको आपका पराग कहा जाता है और उसको इंग्लिश में आपका पोलन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूलों के पराग से शहद उनका रस चूसती हैं और उस रस को, वो जो रस है वो आपका शहद में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो आपका रस है उस रस को वो आपके कहां पर रखती हैं, अपने स्टमक में रखती हैं, पेट में रखती हैं और साथ में अपने मलाशय या रेक्टम में भी रखती हैं। अब उसको अपने मलाशय और रेक्टम में रखेंगे उस रस को, और रखने के बाद क्या होगा, रखने के बाद फिर बाद में वो उस छत्ते में जाकर के उसको डाल देंगे, उस हाइव में डाल देंगे। अब ये ध्यान देंगे इसके बारे में, अब मैं इसको जरा खत्म कर रहा हूं, इसके आगे अब लिखूंगा। अब ये जो आपका शहद आया, तो ये जो आपका शहद है पौधों से जो प्राप्त है या पौधों के पराग से प्राप्त शहद, जो पौधों के पराग से जो शहद प्राप्त हुआ उस शहद की क्वालिटी क्या हो जाती है, तो भैया उस शहद की क्वालिटी ये होती है कि उसके अंदर लगभग 20% आपकी शुगर होती है, शुगर और प्लस आपका 80% वाटर आपका होता है। अब ये उस शहद को अपने हाइव में या मधुमक्खी जो अपने छत्ते में डाल देगी, उस छत्ते की किसी एक या दो या तीन जितने भी कोष्ठ में वो भरेगा उसमें आपका डाल देगी। डालने के बाद में उसमें क्रियाएं होती हैं और वो आपका जो शहद है वो शहद आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता। लेकिन जब यही शहद, अब यही जो आपका शहद है इस शहद का कंपोजिशन बदल जाए और जब इसमें आपका 20% आपका वाटर हो जाए और प्लस 80% शुगर हो जाए, अब ये आपका बेस्ट हनी बन जाता है, तो ये आपका बेस्ट हनी है। दूसरी बात अगर आप ध्यान रखोगे, इस हनी की जो पीएच वैल्यू होती है, शहद की पीएच वैल्यू मतलब आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी तत्व में या किसी भी आपका जो भी कोई आपका पदार्थ है उस पदार्थ में हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता कितनी है, इस बात को कहा जाता है पीएच वैल्यू। अभी जो पीएच है इसकी मान, इसकी पीएच वैल्यू इसकी 3.9 होती है और 3.9 आप समझ सकते हैं आपका लगभग एसिडिक आपका ये होगा, क्योंकि आपका 7 से कम है, तो इसकी आपकी जो नेचर आपकी एसिडिक हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं शहद की बात करूँ तो शहद में आपका क्या क्या होता है, भाई शहद में आपका वाटर होता है तो आपको पता ही है, सीधी सी बात है, शुगर होती है, ये भी आपको नॉर्मल सी बात आपका लिख ही दिया गया है, पता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ, इस शहद में आपका ग्लूकोज भी होता है, इस शहद में आपकी राख होती है 1% एश, इसमें आपका सोडियम Na होता है, मैग्नीशियम होता है, आपका Fe होता है मतलब फेरस लोहा होता है, वाटर होता है, तो सारी चीज़ें आपकी शहद में इसमें होती हैं। अब आगे बात करेंगे, अभी जो आपकी श्रमिक मक्खियाँ हैं ये भी अपने आप में तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो श्रमिक मक्खियाँ अपने आप में तीन भाग की होती हैं, तो आप इसको इतने को उतारें आगे बात करेंगे। अभी जो श्रमिक मक्खियाँ हैं ये अपने आप में ही तीन भागों में डिवाइड कर दी गई, तो एक जो होती है उनको कहा जाता है आपका सैनिटरी बीज या फिर आपकी अपमार्जक मक्खियाँ, अपमार्जक मक्खियाँ सैनिटरी,
ठीक है जी। इसके अलावा मैं दूसरे के बारे में बात करना चाहूँ, उसको कहते हैं हम आया मधुमक्खियाँ या फिर आपकी नर्सेज भी, नर्सेज। और इसके अलावा जो आपकी तीसरी मधुमक्खी होती है उसको हम कहते हैं भोज्य संग्राहक आपका कहा जाता है, फिर आपका खाद्य संग्राहक मधुमक्खी कहा जाता है, या मैं इसको केवल और केवल संग्राहक मधुमक्खी भी आपका लिख सकते हैं हम, है ना। इसको फील्ड भी कहा जाता है, अब ये आपकी श्रमिक मधुमक्खी आपकी तीन प्रकार की हो गई, जिसमें किसी का काम क्या है भाई, नाम से पता लग रहा है इसका आपका काम क्या, आपका फूड को स्टोर करती है साथ में फूड देती है, और ये दो प्रकार का फूड देती है आपको थोड़ी देर पहले बताया जा चुका है। अब जब ये रॉयल जो इसके पास रॉयल जेली होती है उस रॉयल जेली को आपकी रानी मधुमक्खी को देती है, और जो इसके पास आपका साधारण फूड आपका होता है उस फूड को आपकी नर मधुमक्खी को देती है, नर मधुमक्खी को पराग और शहद देती है। तो आपका कौन कौन सा भोजन किसको देती है अगर आप इससे ध्यान रखेंगे तो, जो ये आपका जो रानी मक्खी है ये रानी मक्खी को तो रॉयल जेली देती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। जबकि अगर मैं बात करूं ये जो आपका नर मक्खी होती है ड्रोन्स होती है उनको क्या देती है, तो नर मक्खी को आपका देती है पराग प्लस शहद। अभी थोड़ी देर पहले इसकी भी चर्चा हुई थी, पराग क्या है शहद क्या है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। सर ये नर्सेस भी क्या होती हैं, तो नाम से पता लग रहा है ये मधुमक्खियों के बच्चों को पालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, ये बच्चों की देखभाल करती हैं। और ये क्या करती हैं, अपमार्जक मधुमक्खी आपके अन्य सारे काम करती हैं, अन्य कार्य जिनमें आपका सुरक्षा सिक्योरिटी का काम सबसे प्रमुख है ना। तो इनमें से भी श्रमिक मधुमक्खियों में से भी सबसे ज़्यादा काटने वाली मधुमक्खियाँ तो अपमार्जक होती हैं या संग्राहक होती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपकी मधुमक्खी होती हैं। अभी जो आपकी मधुमक्खी है संग्राहक मधुमक्खियाँ, ये संग्राहक मधुमक्खी आपकी, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ, ये आपका एक प्रकार का डांस करते हैं जिनको बी डांस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बी डांस। तो जो मधुमक्खी का नाच होता है, पहली बात तो मधुमक्खी का नाच केवल और केवल संग्राहक मधुमक्खी करती हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो आपका बी डांस है क्यों करती हैं, ये अन्य मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए करती हैं, ये एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित करती है, उनकी भाषा है। अब इस डांस के बारे में जो सबसे पहले कहा था इसकी, जो इसके बारे में बताया था 1788 में अर्नेस्ट स्पाइट्जर ने बताया था, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर सके थे, वो केवल इतना उन्होंने केवल इतना स्टेटमेंट दिया कि मधुमक्खी एक विशेष प्रकार का डांस करती हैं जो उनको कुछ संकेत देता है या फिर उनके आपने सूचना देता है, तो सूचना प्रसारण इनमें होता है। लेकिन इसी बी डांस को जो आपका व्याख्या की, इसका जो एक्सप्लेनेशन किया, इसकी जो व्याख्या की गई है, इसका एक्सप्लेनेशन आपका किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने, और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, तो कार्ल वॉन फ्रिश ने इसकी व्याख्या की थी, जबकि इनके बारे में बताया था अर्नेस्ट स्पाइट्जर ने। अभी जो डांस आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है टेल वैगिंग डांस जिसको द्रुम दोलन डांस कहा जाता है, और दूसरा आपका होता है राउंड डांस या आपका गोल डांस। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो आपका डांस है ये यहाँ पर मैं आपका लिख देता हूँ, आपका बी डांस आपका दो प्रकार का आपका होता है, एक तो आपका होता है गोल डांस, गोल नाच, राउंड डांस, और दूसरा आपका होता है द्रुम दोलनी नाच। इसको कहा जाता है टेल वैगिंग। ठीक, चलो ये यहां शायद आपको चमकेगा नहीं, ऊपर लिख देता हूं, उसको इंग्लिश में कहते हैं टेल वैगिंग। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों का आपका नाच होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे और बात करना चाहूँ, जो मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। शहद तो आपका है ही, आप इसको उतारें, अब आगे बात करते हैं मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ। मुख्यतः चार प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं, तो हम बात करेंगे मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ।
भाई सबसे पहले हम नंबर एक शहद के बारे में, हनी के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब शहद आपका सबसे एक आपका बहुत शुद्ध प्रोडक्ट है, और इतना शुद्ध प्रोडक्ट है कि आप इसको हजारों साल तक रखेंगे तो भी आपका कभी ख़राब नहीं होता, कभी जमता भी नहीं है, कभी ये ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, ना इसमें आपकी सॉलिडिटी बढ़ती है, ना इसमें लिक्विडिटी बढ़ती है। जैसा है अगर आपका एक्चुअल है तो वैसा ही रहता है और हजारों साल तक आपका रह सकता है। दूसरी बात है आपका मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि इसके अंदर शुगर नहीं होती। ये बात आपको अजीब सी लगेगी कि अभी तो इसमें 80% शुगर होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम जब आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। खैर इसके बारे में फिलहाल तो इतना ही ध्यान रखेंगे। शहद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब मधुमक्खियाँ शुरुआत में शहद लेती हैं तो उसमें केवल 20% हनी होता है जो परागों का रस लेती हैं, और 80% वाटर होता है। जब उसके अंदर ये वाली वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी, 80% हनी हो जाएगा, 20% वाटर हो जाएगा, तो आपका बेस्ट क्वालिटी का हनी आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात है इसके अलावा उस हनी में आपका जो है H2O होता है, अभी बताई दी आपको ग्लूकोज होती है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, इसलिए आपका एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये। 1% में ऐश होती है, राख भी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका कैल्शियम होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, है ना, और आपका आयरन होता है। पीएच वैल्यू इसकी 3.9 होती है, इसकी नेचर एसिडिक होती है। तो इतनी सारी बातें आपको शहद के बारे में पता ही पता है। इसके अलावा हमें मिलता है वी वेनम, जो मधु विष मिलता है हमें मधुमक्खियों से, बी वेनम इसको कहा जाता है आपका मधु विष। वेनम VENOM ये मधुमक्खियों से प्राप्त किया गया विष है। अब देखो ये एक आपका ये कैसा विष है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो पहली बात आपके जो मेलेटिन और हिस्टोमिन दो प्रकार के तत्वों से प्राप्त होता है, है ना। ये मेलाटोनिन और हिस्टोमिन आपके क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे जब पाचन तंत्र और आपका प्रतिरक्षा या जो भी हम बायो में आपके टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपका मेलाटोनिन और आपका हिस्टोमिन से प्राप्त होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ आपका मेलाटोनिन और हिस्टोमिन से। इससे आपका प्राप्त होता है। दूसरी में बात करना चाहूं, ये आपके जोड़ों के दर्द जिसको ऑर्थोराइटिस कहा जाता है उसको खत्म करने के लिए सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोड़ों का दर्द निवारक है ये। साथ ही साथ इसके बारे में मैं और एक बात करना चाहूं आपसे, तो सांप का जहर उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि सांप का जहर उतारने के लिए AgCl2 का भी प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का, AuCl2 का, ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग भी किया जाता है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत जल्दी, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपके डाले जाएंगे। चलो खैर इसके अलावा तीसरी जो वस्तु प्राप्त होती है मधुमक्खियों से वो आपको होता है मधुमोम, है ना, हनी वैक्स आपका या बी वैक्स प्राप्त होता है, मधुमोम बी वैक्स। अब मोम की क्या क्वालिटी होती है आपको सब पता है, इसके बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मधुमक्खी जो आपका मोम होगा उससे आपका क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपका बॉडी के लिए अच्छा होता है, है ना, तो इसके बारे में खैर कोई ऐसी खास ज़रूरत आपको आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा चौथा और सबसे मुख्य पदार्थ जो आपका प्राप्त होता है उसको प्रोपोलिस कहा जाता है, और ये आपका बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोपोलिस। अब ये प्रोपोलिस होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये एग्जाम में सवाल आपका कई बार आया हुआ है कि प्रोपोलिस किससे प्राप्त किया जाता है, या प्रोपोलिस किससे संबंधित है, या कई बार आपके जो मैचिंग्स होते हैं उसमें एक तरफ लिखा जाएगा एपिकल्चर और एक तरफ लिख दिया जाएगा आपका प्रोपोलिस, और आपको मैच करना होता है। अब ये प्रोपोलिस एक्चुअल में आपका है क्या, तो जो मधुमक्खी के आपके जो छत्ते के कोष्ठ होते हैं उनको चिपकाने में प्रयोग होता है, एक प्रकार की गोंद है, ग्लू है उनके लिए। आपने जब वो छत्ता देखा होगा, आपका भी देखे जो आपका बेकार छत्ता होगा, आप उसको थोड़ा तोड़ के देखें तो हल्का चिपका होता है, वो आपका इसी से चिपका होता है। तो जो उसके कोष्ठ होते हैं, है ना, जो हाइव के कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ को जोड़ने के काम आता है। दूसरी बात इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, आप एक ये भी याद रख सकते हैं जो आपके कंघे होते हैं हमारे, उन कंघों के जो आपके रेशे होते हैं उन रेशों को आपका जोड़ने में काम आता है, कोम्ब के जो आपके रेशे होते हैं,
कंघी के रेशों को जोड़ता है। जोड़ना, ये सब दो काम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है एपिकल्चर के बारे में था, मधुमक्खी पालन के बारे में था। तो आज का टॉपिक इतना ही है, काफ़ी आपके मेरा आइडिया में आपको काफ़ी बता देगा, इससे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में आपका एग्जाम में कभी नहीं आता। कोशिश करेंगे धीरे धीरे ऐसे आपकी जितनी भी आपकी फेमस कल्चर हैं, जैसे आपका पिसी कल्चर है, सेरी कल्चर है ना, आपका ओलिवी कल्चर है, होर्डी कल्चर है, होर्सी कल्चर है, इन सब के बारे में धीरे धीरे एक एक दो दो करके वीडियो डाली जाएंगी, जहाँ जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ले सकता है। तो कोशिश करेंगे हम भी जो है उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने के लिए। खैर, आपके लिए अगली वीडियो बहुत जल्दी लाई जाएगी, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, वीडियो देखने का शुक्रिया आपका। वंदे मातरम, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।